शक्तानां तया पहुरुत चेतसां व्यवसायात्मिका बुद्धि समाधौ न विधीयते। अध्याय 2 श्लोक नंबर 44। अर्थात जो लोग इंद्रिय भोग तथा भौतिक ऐश्वर्य के प्रति अत्यधिक आसक्त होने से ऐसी वस्तुओं से मोहग्रस्त हो जाते हैं, उनके मनों में भगवान के प्रति भक्ति का दृढ़ निश्चय नहीं होता। त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन निर्द्वन्द्वो नित्य सत्वस्थो निर्योग क्षेम आत्मवा। अध्याय 2 श्लोक नंबर 45। अर्थात वेदों में मुख्यतः प्रकृति के तीनों गुणों का वर्णन हुआ है। हे अर्जुन, इन तीनों गुणों से ऊपर उठो, समस्त द्वैतों और लाभ तथा सुरक्षा की सारी चिंताओं से मुक्त होकर आत्मपरायण बनो।